हमारे बीच में कॉमेडी सर्कस के डायरेक्टर आज निकुल जी भी आए हुए हैं। मैं विनती करूंगा जरा प्लीज आप यहाँ आइए सर, प्लीज आइए ना, आपकी वजह से तो है सर हम। प्लीज क्योंकि ये हमारा आज हम पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए हैं। मैंने बुलाया तो नहीं आया ये बात। ऑलराइट, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम विक्रांत है और मैं रेडियो मिर्ची पे शो होस्ट करता हूँ। एसबीएस जी, कैसे हैं आप? हम लोगों की सबकी फोन पे बात हो गई है और हम लोगों ने सबसे भी मिले हैं। हाय कृष्णा जी, कैसे हैं आप? और मुझे इंट्रोड्यूस करने की किसी को जरूरत नहीं है, आई एम श्योर सब जानते हैं सारे लोगों को यहाँ पर। तो राइट नाउ वी स्टार्टिंग फॉर विद वन क्वेश्चन राउंड। आपको सबको पूरा मौका दिया जाएगा सबको सबसे बात करने का। सो वी कैन स्टार्ट विद दैट एंड देन उसके बाद फिर ऑफ कोर्स शाम को तो बहुत मस्ती होने वाली है सबके साथ में। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट आई गेस। आई थिंक आई वांट टू आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। हाउ इंपॉर्टेंट इज कॉमिक टाइमिंग टू अ शो, अ कॉमेडी शो विच इज लाइक। देखिए ये तो आप हिंदी में बोलेंगे तो पता चलेगा। ओके, यहां पे आप हिंदी उर्दू का इस्तेमाल ज्यादा करें तो बहुत बेहतर होगा। और ये माइक अब मैं यहां पे दे जाता हूं। ओके, माइक अब आप आपस में बात दीजिएगा। ये मंजू जी, आपने जो पूछा था उसका जवाब उसने उसके अंदाज में दिया। कोई टैगिंग थी कॉमेडी की, टैगिंग इसी को कहते हैं। जो आपने सवाल किया था ना उसका कॉमेडी करके आपको जवाब दे दिया। और इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता कि टाइमिंग ही सब कुछ है। पूरी कायनात टाइमिंग पे बनी हुई है। रिदम, हम कह रहे हैं ना अजान भी रिदम में, तो हर चीज रिदम में होना जरूरी है, वरना बेताला बेसुरा लगता है, कान सुरा हो जाता है, कहता है कान को जरा कान में घुसती बात। ये इसने बहुत अच्छा जवाब दिया। सबके लिए आप पूछते हैं कि दे दिए ना, सब अलग अलग थे। मेरी घड़ी पाकिस्तान के साथ है तो मैं बता देता हूँ। तो हमारी आधे घंटे बाद निकलती है। ठीक है आप, ठीक है आप। हेलो हेलो, मैं अभी साजिश। तो आप बाल खोल के घूम रही, धमाल डाल गया हमने जो आपके चूहों का उरस है। तो अब आप ना करना सवाल, ठीक है बच्चों? ये तावीज भी काम नहीं आएगा जो गले में डाला हुआ है। बदला ले रहे हैं। बहुत बार आए सुदेश जी और मैं, बहुत सारे प्राइवेट शोज किए, बट आई थिंक दिस वन टुडे इट्स स्पेशल बिकॉज हम लाइव ऑडियंस के सामने, यू नो, प्राइवेट में फिर भी एक या शादी का फंक्शन है या फिर किस तरीके का दूसरा फंक्शन है, बट मेन ऑडियंस में जो आज असली ऑडियंस आएगी, जो असली कॉमेडी सर्कस के फैंस आएंगे और कमर्शियल लोग होंगे, तो वो सबसे बड़ी बात होगी। तो और वो उनके बीच में परफॉर्म करने के लिए भी टू एक्साइटेड। एंड दुबई इज एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड टू गेटिंग यू गाइस। यस, एनीवेज, मॉली डोंट क्वाइट। व्हाट हैपेंड? ये आगे जवाब देंगे। सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कॉमेडी के रिलेटेड है। तो जब इतने सारे महारथी कॉमेडी के, तो मैं तो क्या जवाब। But we believe this is your second trip to Dubai, right? Yes. पहली बार you जब आप आए थे, then that is the time after Saregama when you had. जी, yeah. I think एक साल के बाद मैं आई थी Saregama का खत्म होने के बाद, और फिर अभी सीधा आ जाएं, और बहुत ही सही टीम के साथ आएंगे तो बहुत मजा आएगा। Actually मेरा जो कॉमेडी का एक्सपीरियंस जो पहला रहा था, वो luckily I was so happy कि I had Krishna Suresh with me. और I did 6 episodes and oh my god it was so much fun, I can't tell you. As a person, you know, आप एक characteristics होते हैं कि I'm pretty goofy at home, you know, with my friends, और थोड़ा बहुत मजाक कर लेती हूँ,
बट जब इनके साथ होते हो आप और स्टेज पर होते हो तो इट्स जस्ट अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. और जो छोटी छोटी चीज़ें यू नो करने का मौका मिला, आई थिंक इट्स वेरी प्रेशियस एंड आई होप टू डू इट अगेन. बट नहीं, बहुत मजा है. आई रियली लाइक टू थैंक यू नो सुदेश जी एंड कृष्णा कि उन्होंने बहुत ही कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि यू नो आपने कभी कॉमेडी हाँ बराई है. बहुत ज्यादा प्यार दिया कृष्णा ने स्पेशली मुझे. और नहीं बट हमेशा यू नो कुछ भी क्वेश्चंस होते थे स्पेशली पहले आई थिंक दो एपिसोड में नर्वस ज्यादा आप होते हो बिकॉज ये लोग तो ऐसे ऐसे वो कर लेते प्रैक्टिस और प्रैक्टिस भी कितनी होती है एंड तक कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. इनको कोई आइडिया आया फिर इनको कोई आइडिया आया बीच में मैं रह गई उन लोगों मुझे क्या फाइनली करना क्या है तो फिर इन द एंड स्टेज पर ही पता चलता है. सो आई थिंक दैट वाज यू नो वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस और मैं बहुत खुश हूँ. एक बात जो आज मुझे याद दिलाई शकील जी ने मैं भी ऑलमोस्ट भूल गई थी अरे नहीं एक्चुअली मैं सारेगाम का मैं आई उससे पहले ह्यूस्टन में एक इवेंट था जहाँ शकील जी थे और उन्होंने उनका उनका हाँ ड्रामा था उसमें मैंने मैं उनको पहली बार मिली थी और एक डांस भी किया था ड्रामा अभी मैं भी कुछ तो मैंने किया था. और अभी मेरे को रियलाइज हो रहा था कि यू नो उस वक्त आप मैं वहाँ पे रहती थी तो मुझे इतना नहीं पता था कि कौन कितना क्या है. ये इतना पता था कि जो भी वो बोलते थे उसमें सब लोग हंसते थे. और जब मैंने उनको उनका परफॉर्मेंस देखा और उस वक्त भी मैं उस ड्रामा में थी तो एफर्टलेसली कंटिन्यूसली फॉर टू आवर्स वो कुछ इज जस्ट कंटिन्यूसली सेइंग स्टफ एंड मेकिंग एवरीबॉडी लाफ एंड इट्स डेफिनेटली यू नो नॉट ईजी कि आप एवरी सेकंड कुछ ना कुछ ऐसी चीज बोल रहे हो जहाँ पर यू नो यू मेक एवरीबॉडी लाफ एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट बिफोर आई इवन न्यू यू नो हाउ बिग दिस गाय इज और कि इन द फ्यूचर लाइक आफ्टर 7 years मे बी मैं वापस उनके साथ यहाँ पर आऊँगी. एंड आई थिंक दैट्स ऑसम दैट आई हैव दीस 3 amazing comedians दैट आई वर्क विद. Okay, I have a question for Siddharth. आप अभी मतलब आपकी शुरुआत काफी टाइम पहले से हो गई थी बहुत छोटे से. अभी इस वक्त इन लोगों के साथ में बैठ के इन लोगों के साथ में जो सीखने हो रहा है, what was your, how was your experience? मैंने बहुत कुछ जो सीखा पहले जो भी मैंने काम किया उसको वो सारा काम एक तरफ वो 5 साल एक तरफ और ये 6 महीने एक तरफ इतना कुछ सिखाया सुदेश जी और कृष्णा भैया ने दोनों ने इतना सिखाया कि मैं जो कॉमिक टाइमिंग आती है वो कर करके बताई ऐसे करना है इसको पंच को इतने टाइमिंग पे मारना है. तो ये बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा है. डायरेक्टर निकुल सर है हमारे इन्होंने बहुत कुछ सिखाया बहुत अपॉर्चुनिटीज दी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा. ये 6 महीने का एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता. ये मेरी स्टार्टिंग है. वंडरफुल.